ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी परमात्म मिलन के द्वारा अपरंपार सुखों की अनुभूति कर रहे हैं, और जो आत्माएं सुखों के भंडार से भरपूर हो जाते हैं, जिनके पास ये अथाह खजाना आ जाता है, वही संसार के दुखों को दूर करेंगे। और यही इस बात का प्रूफ है कि हमारा बाबा से बहुत प्यार है और बाबा का हमसे बहुत प्यार है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं वो तो सारा दिन मानो मेरे सम्मुख रहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, बाबा के वाइब्रेशन सामने से ऐसी योगयुक्त आत्माओं को मिलते रहते हैं, उनमें सुख भरता जाता है। हम योगयुक्त होने का संकल्प करें। योगयुक्त आत्माएं तो चलते फिरते लाइट हाउस हैं, उनके द्वारा तो बैठे बैठे ही संसार का कल्याण होता रहता है। वे ही बाबा के सच्चे अर्थों में मददगार हैं। तो हम अनेक बार अपनी ड्रेस चेंज किया करें, सबको याद है बाबा ने हमें चमकीली ड्रेस दी है। सोने जाएं तो भी इस ड्रेस को पहन लें, ये फरिश्ते की ड्रेस है। मुरली सुनने जाएं तो भी इस ड्रेस को पहन लें, योग में बैठें तो इस ड्रेस को पहन लें, ऐसे भिन्न भिन्न समय पर भोजन करें तो इस ड्रेस को पहन लें, अपने नियम बना लें कि हम इस कार्य में अपनी चमकीली ड्रेस पहनेंगे, ताकि बाबा से भी हमारा मिलन होता रहे, उसके प्यार को हम अनुभव करते रहें, उससे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे और उसकी प्रेरणाओं को हम निरंतर कैच करते रहें। तो हम सभी को योगयुक्त होने की भिन्न भिन्न विधियां अपनानी है। दिन में कई बार ऐसा विधि होने का अभ्यास करना चाहिए, स्वयं से सुंदर बातें करनी चाहिए। सहज विधि होती है स्वयं को स्मृति स्वरूप रखना, अपने को याद दिलाते रहना, तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुम्हारे कौन से महान कर्तव्य हैं, कैसे बाबा तुम्हें निरंतर साथ दे रहे हैं, ये संगम युग कैसे तुम भाग्यवान आत्मा को प्राप्त हुआ है, ये सब स्मृतियां स्वयं को दिलाते रहें, तो सहज ही योग युक्त स्थिति बनती जाएगी। आज सारा दिन हम स्वयं में ईश्वरीय सुखों का भंडार भरते चलेंगे। बहुत सुख हमें मिल रहे हैं, उठते ही हमें सुख मिलने लगते हैं, मानो हम पर सुखों की बरसात होने लगती है। मुरली से हमें बहुत सुख भासता है, क्योंकि ऐसा आभास होता है कि स्वयं भगवान हमसे बातें कर रहे हैं। और जब हम ऐसे दीदी होते हैं तो भी हम सुखों की डीप फीलिंग में आ जाते हैं। हम इस सुख को बढ़ाते चले, साथ में सबको दुआएं देते चले, सब सुखी हो जाएं। जो भी सामने आए आज ये प्रैक्टिस करेंगे, ये सुखी हो जाएं। तो ये सिद्धांत है कर्म का, जो कुछ हम दूसरों को देते हैं भावनाओं से भी देते हैं, वो डबल होकर हमारे पास आ जाता है। हम संकल्प करेंगे सब स्वस्थ हो जाए, एक एक को देखेंगे, ये भी स्वस्थ हो जाए, ये भी सुखी हो जाए, ये भी निर्विघ्न हो जाए, तो यही चीजें हमें भी प्राप्त
प्राप्त होती रहेंगी। ये बड़ी सूक्ष्म गति है, तो हमें सुखों का लेन देन करते चलना है। कभी भी भूल से ये नहीं कहते रहना है मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ। हमेशा मुख से मन से यही निकले, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। उठते ही संकल्प कर लें, मेरे जैसा सुखी तो कोई नहीं, तो हमारे सुखों में दिनों दिन वृद्धि होती जाएगी। तो आज सारा दिन हम अशरीरी होने का अभ्यास हर घंटे में दो बार करेंगे और अनुभव करेंगे कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, और इससे डीप रियलाइजेशन करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे सच्चे ईश्वरीय सुखों की। ओम। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।